तो so, आज की वीडियो का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे डीएम्स आए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में से भी बहुत सारी मेरी बहनों ने फर्स्ट की और क्वेश्चन किए कि प्लीज़ हमारे जो डार्क सर्कल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो कोई आसान सी रेमेडी शेयर करें अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे आज की न्यू वीडियो में भी आप सबका वेलकम है सो मैं आपके लिए बहुत सारी रेमेडीज लेकर आती रहती तो आज की भी भी वीडियो वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है डार्क सर्कल्स पे तो आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त एक सीरम शेयर करने वाली हूँ जिसको बनाना भी बहुत आसान है लगाना भी बहुत आसान है और इसके इनग्रीडियंट भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे तो ये है वो अमेजिंग सा सीरम जो हमने आज की वीडियो में बनाया है स्पेशली फॉर डार्क सर्कल्स रीन प्रोडक्ट्स और डार्क सर्कल्स के जो सीरम्स होते हैं ना मार्केट वाले उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन है तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा तो चलें इसको बनाने का तरीका भी जल्दी से देख लेते हैं तो फ्रेंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमें सबसे पहले सीरम के लिए ज़रूरत होती है एक इम्पोटिक कंटेनर की तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक इतर का कंटेनर तो अगर आपने मार्केट वाला सीरम देखा होगा ना आई सीरम तो वो भी सेम ऐसा ही होता है तो अगर आपको घर से कोई भी इस तरह से कंटेनर मिले तो आप इसको ले लें तो और अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ड्राई कर लें और इस तरह से इसका स्टोपर भी निकालें ताकि इसके अंदर हम अपना सीरम डाल सके तो चलें अब इसको रख देते हैं साइड पे और अपने मेन पर्पस की जानब आ जाते हैं जो कि हमने सीरम बनाना है और अब जो मैं फर्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ वो है आलमंड ऑयल यानी कि रोकने बादाम और आप जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रखता है डार्क स्पॉट्स को दूर करता है और डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम को भी ये अच्छे से दूर कर देता है और ये हमारी रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है इसलिए आपने अपने कंटेनर के हिसाब से इसकी क्वांटिटी ले लेनी है तो मैं तो बस इतना ही बनाती हूँ कि जो कि सिर्फ दो हफ्तों में ही ख़त्म हो जाए तो मैं इसकी हाफ क्वांटिटी लूंगी अपनी बोटल के साथ और इसके लिए एक चम्मच भर की e, हमारे लिए बेस्ट रहते हैं, है। हैं। विटामिन सी सीरम या फिर के अंदर जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट प्रोपर्टीज पाई जाती है जो की हमारी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करती है क्यूँकि हम ये आई सीरम बना रहे हैं जिसकी क्वान्टिटी कम होगी तो उसके हिसाब से जस्ट एक कैप्सोल ही काफी होगा आज का हमारा लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कॉफी और जैसे कि सर्दी है तो आजकल हर घर में कॉफी मौजूद ही होती है तो क्यों ना इससे हम फायदा उठाए तो so, कॉफी हम इसके अंदर क्यों क्यूँ एड हैं क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है क्लोरोजेनिक एसिड जो कि स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को खत्म करने में बहुत मदद देता है इसके अलावा इसके अंदर पाई जाती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज सो सीरम को लगाने से जो भी आपकी अंडर आइज रिंकल्स होंगे उनको भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने में मदद देगा इसके अलावा इस सीरम का बेनिफिट ये भी है की अगर आपके आइज बैग बन जाते हैं तो उनको भी यह आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने में मदद देगा और बस इतनी सी क्वांटिटी आपने कॉफी की ले लेनी है और बाकी इंग्रेडिएंट के साथ इसको शामिल कर देना है और बस इतने से ही इंग्रेडिएंट्स इनग्रेडियंट हमारे सीरम को बनाने के लिए तो अब तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अपने कंटेनर में शामिल कर देंगे और बस हमारा बेस्ट होम मेड आई सीरम बनकर तैयार है जो कि बहुत ही कम पैसों में बना है और बहुत ही कम टाइम में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है रिंकल्स को खत्म करेगा और साथ ही साथ आपके डार्क सर्कल्स को भी दूर करने में मदद देगा और आपने जस्ट इतना सीरम बनाना है जो कि टू वीक्स के अंदर अंदर खत्म हो जाए उसके बाद आप उसको दोबारा से बना सकते हैं सो so फ्रेंड्स तो देखा हमने कि इस सिरम को कितनी आसानी से बना लिया घर में बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत ही कम टाइम में तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है ट्राई करने के बाद जो है ना इसका फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा सो फ्रेंड्स अब इसके इस्तेमाल करने का तरीका देख लेते हैं कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है तो जब भी आप रात को सोने से पहले अपनी स्किन केयर कर लेते हैं ना तो जस्ट आपको शेक कर लेना है अच्छे तरीके से बॉटल को ताकि जो भी इसके इन्ग्रीडियंट हैं जो नीचे बैठ चुके हैं वो अच्छी तरीके से दोबारा से मिक्स हो जाए जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक रोलिंग बोतल में है लाइक like, मतलब रोलिंग बॉल इस पर लगी हुई है जैसे हम इतर लगाते हैं अपने कपड़ों वगैरह पे बहुत इजीली जो है ना आपकी स्किन पे भी अप्लाई हो जाएगा कहीं ऐसा नहीं है कि आप मतलब सोच रहे हैं कि ये इतर की बोतल है तो फेस पे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा कोई मुश्किल होगी और इरिटेट भी कर सकते हैं मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैंने पूरे मतलब इसको ट्राई करने के बाद ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो शेक करने के बाद सिंपली आपने अपने डार्क सर्कल के ऊपर टू से थ्री टाइम्स इस तरह से अप्लाई कर लेना है एंड अप्लाई करने के बाद आपने सो जाना है कुछ भी नहीं करना एंड द नेक्स्ट डे आपने इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है और आपने डेली इसको रात को सोने से पहले अपने डार्क सर्कल्स भी अप्लाई कर लेना है एंड कुछ ही दिनों में आपको इसके शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलेंगी एंड साथ ही साथ कुछ और टिप्स आपको साथ शेयर करूंगी कैसे आप अपने डार्क सर्कल्स को रेड्यूस कर सकते हैं सो so आपको कट कर लेने हैं कम्बर के पीसीस एंड देन आपको टेन से फिफ्टीन मिनट्स अपनी आइज़ के ऊपर रखने हैं एंड थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना है लेट जाना है और आप पोटैटो के पीसीस को कट करके अपने आइस पे रख सकते हैं इसके अलावा अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें भी नहीं है ना तो जैसे एक सिंपल सी टिप दूंगी आपको ले रहे हैं दो स्पून जो आइस को खाने के लिए यूज़ करते हैं कुछ मिनट्स के लिए आप फ्रीज़र में रख दें एंड देन आप उसको अच्छे तरीके से अपने आई एरिया पर इस तरह से रब करें तो, इस, तो इससे भी आपकी आइस को बहुत रिलैक्सेशन फील होती है एंड डार्क सर्कल्स भी आपके बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं इसके अलावा अगर आप टी बैग्स को भी अपनी आइस पे यूज़ करें थोड़ा सा ठंडा करने के बाद तो इससे भी आपके डार्क सर्कल्स खत्म हो जाते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डोट फोट टू थम्स अप और न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि कोई भी वीडियो जो है ना वो आपसे मिस ना हो तो इसी तरीके से मिलते हैं किसी और मज़ेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह